तीन भुवन में सार एक राग विज्ञान दा शिव स्वरूप शिव कार नमः त्रियोर समाइगे। जैन दृष्टि से तीन लोक की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी और इस चर्चा में हम तीनों लोकों के विभाजन को देखते हुए सबसे पहले बहुत संक्षेप में मध्य लोक की चर्चा करने के लिए प्रयत्नशील हुए हैं। यह मध्य लोक कहाँ हैं, इस तीन लोक के स्वर्ग नरक कहाँ हैं, जब हम इसकी रचनात्मक दृष्टि से बात करते हैं तो जो तीन लोक का आकार हमने आज तक देखा है उसको थ्री डायमेंशन में देखने पर वो तीन लोक आगे और पीछे से तीन तीन राजू छोड़कर बीच में एक त्रस नाली है। राहुल भाई पता है त्रस नाली कहाँ है? ये यहाँ नहीं दिखेगी, को दिखानी पड़ेगी। वे राहुल भाई हमारे जो है ना, इनसे खास दोस्ती है तो इनको त्रस नाली दिखानी पड़ेगी। आप दिख गई त्रस नाली का है? देखो ये जो पूरा लोक है, इस लोक में ये फ्रंट तो अपन ने हमेशा देखा है, बहुत बार फ्रंट देखा है, ये बैक साइड में भी है, सात राजू पीछे तक फैला हुआ है। आगे से पीछे जाएं तीन राजू, पीछे से आगे आएं तीन राजू, तो एक राजू बचा। एक राजू लंबाई और एक राजू चौड़ाई वाली हाइट है इसकी, कुछ कम 13 राजू। ये है त्रस नाड़ी, ये त्रस जीवों के रहने का स्थान है, त्रस जीव इसके बाहर नहीं रहते। और हमें बहुत गहराई से विचार करना चाहिए कि एरिया बहुत बड़ा है लोक का, लेकिन त्रस जीव कितने दुर्लभ हैं, कितने भाग्यशाली हैं जो त्रस पर्याय को प्राप्त करके यहाँ जन्म लेते हैं। हम अकेले त्रस नहीं हैं, त्रस में भी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी नारकी और देव नहीं, त्रियंश भी नहीं, हम चौपाये नहीं, दो पांव वाले हैं, है ना। हमारे पास में असैनीपन नहीं, सैनी पंचेंद्रीय दशा है, मनुष्य जीवन है, अन्य मत नहीं, जैन कुल में हमने जन्म लिया है, जीर्णवाणी सुनने का ये अवसर हमारे को मिला है, और उसमें भी जीर्णवाणी में भी शुद्ध तत्व की चर्चा सुनने का अवसर मिला है। आप ये विचार करने के लिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप विचार कीजिए आप कौन से लेवल पर आ गए हैं जो आपको मिल गया है। निरंतर विचार करना इस बात का कि हमारा जीवन लोकल ट्रेन में धक्के खाने के लिए नहीं है, या हमारा मनुष्य जीवन ये ट्रैफिक में भीड़ भाड़ में बर्बाद करने के लिए नहीं है, या हमारा मनुष्य जीवन दो पैसे कमाने के लिए नहीं है, कुछ दम नहीं है इसमें। ये बहुत गहराई से विचार करना, क्योंकि जो बहुमूल्य चीज़ हमारे को मिल गई है वो चीज़ अनंतानंत जीवों में से किसी एक व्यक्ति के नसीब में होती है। हमें वो चीज़ मिल गई है, हम खुश नसीब हैं जो हमें ये तत्व ज्ञान मिल गया है। ये तत्व ज्ञान मिल गया है इसलिए खुश नसीब है ऐसा नहीं, इस तत्व ज्ञान के मिल जाने पर हमारे नसीब में जो कुछ भी था हम उसमें खुश हैं इसलिए खुश नसीब हैं। क्या कहा मैंने, शब्द आगे पीछे कर दिए। खुश नसीब कौन? जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, फैसिलिटी हो, सुविधाएं हो, वो खुश नसीब है कि नहीं? जो अपने नसीब में खुश है। हम खुश नसीब हैं क्योंकि हमें ऐसा तत्व ज्ञान मिला जिस तत्व ज्ञान ने हमारे को सहज रहने की कला सिखा दी। ये वैसा तत्व ज्ञान मिला हमारे को जिस तत्व ज्ञान ने हमारे को ये कहा
ये सिखाया, ये सीख दी कि भाई तुम इस दुनिया के सबसे विलक्षण परमात्मा बनने की योग्यता वाले जीव हो, तुम भगवान बन सकते हो। हम इसलिए खुश नसीब हैं क्योंकि हमें ऐसे गुरुदेव मिल गए जिन्होंने परमात्मा बनने का मार्ग नहीं, हमें बना बनाया परमात्मा बताया। हमें ये कहा कि तुम बने बनाए परमात्मा हो। ऐसा विचार करो क्या मिल गया है हमारे को। अनंत काल में जो चीज़ हासिल नहीं हो सकी थी वो चीज़ आज हमारे को मिल गई है, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। ये त्रस नाड़ी में, ये त्रस नाड़ी, अब ये जो त्रस नाड़ी दिखाई देती है, इस त्रस नाड़ी में यहाँ से देखो ऊपर से इस जगह से, इस त्रस नाड़ी के लिए क्या एग्जांपल दिया था कल मैंने, ट्यूबलाइट का बॉक्स। ऊपर से देखो बॉक्स है ना, अब ऊपर से देख रहे हैं हम त्रस नाड़ी में। जब ऊपर से देख रहे हैं तो आपको स्वर्ग भी दिखेंगे, नरक भी दिखेंगे और बीच में मध्य लोक का कुछ आकार प्रकार दिखाई देगा। वो मध्य लोक का आकार प्रकार कैसा है, हम वहाँ चल रहे थे और बीच में हमने बता दिया कि यहाँ मध्य लोक में एक सुमेरु नाम का पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत से ऊपर ये विभाजन है। इससे क्या है, इससे ऊपर ऊर्ध्व लोक है, इस पर्वत से ऊपर यहाँ कितने अंतर से, एक बाल के अंतर से, और इसके नीचे अधो नीम के नीचे से, माने मेरु पर्वत की जो नीम है उसके नीचे अधो लोक है बराबर, और मध्य लोक की जितनी ऊंचाई है 140,000 योजन उतना मेरु पर्वत के बराबर है। ये मध्य लोक की ऊंचाई मेरु पर्वत के बराबर 140,000 योजन का ये मध्य लोक है, ठीक है। अब मध्य लोक की रचना, पूरा मध्य लोक, यहाँ बात कर रहे हैं अपन मध्य लोक की। मध्य लोक कैसा है, मध्य लोक की रचना कैसी है, मध्य लोक का स्वरूप कैसा है, तो देखिए अब ये दिख रहा है मध्य लोक। ये कैसा दिख रहा है राहुल जी, माने इसको हम ऊपर से देखो तो हमारे को गोल गोल दिखेंगे मध्य लोक। मध्य लोक की जो संरचना, मध्य लोक का जो आकार प्रकार दिखेगा वो ऐसा राउंड राउंड राउंड, नीचे देखा हमने तो सब गोल गोल दिखाई दे रहे हैं। सुनो, गोल गोल का अर्थ ऐसा मत समझ रहे ना कि सारी चर्चा गोल गोल है। समझ रहे हो क्या आप गुजराती में क्या, लेकिन हमारे हिंदी भाषी होते तो सब समझ जाते कि सब गोल गोल है सब यहाँ। गोलमाल 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 किसकी, अक्षय कुमार की, सब गोलमाल है, सब गोल 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 है। तुम जिस दुनिया की बात कर रहे हो सब, अरे नहीं ऐसा नहीं है। जब मैं कभी बात वाले की बात करता हूँ ना उल्लास भाई, तो जब मैं बात वाले जैसे ही बतलाता हूँ कि ये पूरी दुनिया ये ऐसे बात वाले है, ये हवा का घेरा है और इसके ऊपर टिकी हुई है, तो ये बात करते करते जब मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ तो कई लोगों के चेहरे ऐसे हो जाते हैं, हम तो पहले ही कहते थे तुम्हारे ये तीन लोग की चर्चा सब हवा में है। सब हवा में है ये सारी बातें तुम्हारी, इसमें कुछ दम नहीं है। ऐसा गोल नहीं समझना, ये मध्य लोग के असंख्यात द्वीप समुद्र है। इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो गोल है, पहला द्वीप फिर समुद्र फिर द्वीप फिर समुद्र फिर द्वीप फिर समुद्र, द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र, घूमते गोल गोल घूमते हुए डबल डबल होते हुए, और कहाँ तक पहुँचेंगे, लास्ट वाला जब पहुँचते हैं तो उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। बिल्कुल लास्ट वाला, लास्ट वाले समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। इस समुद्र की कल हमने चर्चा की थी आपके बीच में, इस समुद्र में क्या क्या है वो थोड़ा सा दिखाया था आपको। क्या देखा था बेटा, आम अच्छे देखे थे, और क्या देखे थे, तंदुर मच्छे। तंदुर मच्छे कहाँ जाता है मर के, सातवें नरक में क्यों चला जाता है भाई, भावों से, सारा खेल भावों का है, इसलिए भावों को संभालना, ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं अभी प्रकरण अपना ये सारा ज्योग्राफी का चल रहा है, नहीं तो मैं भावों की इतनी चर्चा कर सकता हूँ लल भाई, कभी आऊँ तो कहना 8 दिन सिर्फ भावों के बारे में बोलना है, तो हम सिर्फ परिणामों की चर्चा करेंगे।
सिर्फ परिणामों की चर्चा करो, भावों की चर्चा करो, पावर की चर्चा करो, आपके पास में कितनी पावर है। ये बैठा बैठा परिणाम बिगाड़ता रहता है, बैठा बैठा परिणाम संभाल। आप बैठ, सारा स्टीयरिंग आपके हाथ में है, और स्टीयरिंग क्या है? भाव, ये आपका स्टीयरिंग है। आपके परिणामों का स्टीयरिंग जिधर घूमेगा, समझ लीजिए आपकी लाइफ की रूपी गाड़ी उस दिशा में उधर चली जाएगी। आपके परिणामों का स्टीयरिंग नरक की तरफ गया तो आपकी ये लाइफ, ये जीवन रूपी गाड़ी नरक में चली जाएगी, और आपके परिणाम यदि उज्जवल हुए तो आपकी ये गाड़ी स्वर्ग में चली जाएगी, और आपके परिणाम बाहर से हटकर अंतरोन्मुखी हुए तो ये गाड़ी सिद्धालय में जाकर के परमानेंट विश्राम करेगी। ये आपके ऊपर है, सब कुछ परिणामों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए परिणामों को संभालना। परिणाम अपरिणामी के लक्ष्य से ऐसे संभलते हैं कि फिर संभालने की जरूरत नहीं पड़ती है। खैर, ये सब चर्चाएं काफी विस्तार से हुई। इसके बाद हमने जम्बूद्वीप देखा, जो कि 1 लाख योजन का था, गोलाकार था, और जम्बूद्वीप की परिधि 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष, 13.5 अंगुल से कुछ अधिक बतलाई गई थी। आप देखिए केवल ज्ञानी की सूक्ष्मता, केवल ज्ञान की सूक्ष्मता। आज आपके पास में कैलकुलेटर है, आपकी बुद्धि, आपका क्षयोपशम ऐसा है, आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले। यदि आपको 1 लाख योजन वाले जम्बूद्वीप का डायमीटर मालूम है, रेडियस मालूम है, इसका सर्कमफ्रेंस मालूम करने के लिए कहा जाए, आप बिना कैलकुलेटर के नहीं बता पाएंगे। बोलो, आप नहीं बता सकते। 2πr आपको फॉर्मूला बतला दिया, इतना रेडियस है ये बतला दिया, इतना डायमीटर है ये बतला दिया, आप करो कैलकुलेट। तो आप होंगे पेपर पेन दे दो, आप कैलकुलेटर खोलोगे, आप मोबाइल में लगाओगे, आप कैलकुलेशन करोगे, नहीं बता पाओगे। और यदि बताएंगे आप कैलकुलेटर से तो भी आप ऐसा नहीं बतला पाएंगे, इतना योजन अप्रोक्स लगा देंगे आप इसके आगे। ये 3 कोस, 128 धनुष, धनुष जानते हैं, 4 हाथ का एक धनुष है, इसका बोले इतनी सी दूरी किसमें? 3.25 लाख योजन की चर्चा करते हुए 3.25 लाख योजन, और उसमें नाप कितनी बतला रहे हैं आप? 6 फिट, 3 को कितना, 128 धनुष और 13.5 अंगुल, ये 4 अंगुल, ये 4 अंगुल और 8, और ये 4, 12, और ये 13, 13 अंगुल नहीं, और आधा अंगुल और। यार गजब हो गया ने? ये वीतरागी संतों ने जो कैलकुलेशन बतलाई है, ये कितना एक्यूरेट कैलकुलेशन है। सूक्ष्मता पता लग रही है आपको केवल ज्ञानियों की है? केवल ज्ञानियों की सूक्ष्मता, वीतरागी संतों द्वारा लिखी गई बातों में कितनी सूक्ष्मता है, कितनी गंभीरता से बात करते हैं, कितना बारीकी से बात करते हैं, कितना टू दी पॉइंट बात करते हैं। हमारे ये कर्णानुयोग का धर्म कांटा ये कितना पावरफुल है कि आपका जो जवेरी बाजार में रत्न तोलने वाला जो धर्म कांटा कहलाता है, जो सेंट की चर्चा करता है, कितना सेंट, सेंट कितना, कैरेट का 100वां भाग, कैरेट का 100वां भाग ना, ये योजन का कितना भाग है अंगुल जरा निकालो तो पता लगेगा आपको, कितने भाग सूक्ष्म में जाकर के बात कर रहे हैं केवल ज्ञानी परमात्मा। इतनी सूक्ष्म महिमा आती है हमारे को तो केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान की महिमा से काम नहीं चलेगा बेटा, किस किस की महिमा आनी चाहिए, किसकी? आत्मा की महिमा आनी चाहिए। शायद का जवाब है बहुत सुंदर, माने कि केवल ज्ञान जो है, पहले तो केवल ज्ञान की महिमा आए, फिर केवल ज्ञान की महिमा, ये केवल ज्ञान कहाँ से आया भाई साहब ये बताओ। तो केवल ज्ञान देखने पर हमारे को पता लगता है कि ये केवल ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, और ज्ञान नाम का एक गुण, और ज्ञान जैसे अनंत गुण, और अनंत गुणों का अखंड पिंड कौन, कि मैं स्वयं। महिमा तो यहाँ की आती है, अपने स्वभाव की आती है, आना तो यहाँ है घूम फिर करके। देखिए ये जम्बूद्वीप लवण समुद्र ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, मैंने इसकी बाउंड्री भी आपको बतला दी थी, जगती और फिर जम्बूद्वीप और लवण समुद्र की तुलना भी कल करके बतला दी थी। कितने बतलाए थे? 24 बतला दिए हमने आपको यहाँ, 24 बतला दिए। मेरे से कल किसी ने पूछा नीचे उतरते हुए कि भाई ये जो बीच में खाली जगह है उसका क्या होगा, मैंने कहा जितना ओवरलैप कर दिया उसका क्या होगा।
जितना ओवर है ना ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रखा है उतना गैप है आपका, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, पूरा 24 है, फॉर्मूले है बिल्कुल, उससे निकलता है इनका वलय व्यास किस तरह से डबल करना हो तो कैसा निकलता है, ये सब मैथमेटिक्स है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। चलिए लवण समुद्र की तरफ चल रहे थे और यहाँ हमने गाड़ी ले जा करके रोक दी थी, कहाँ पर ले जा करके रोक दिया हमने, लवण समुद्र। कुछ दिख रहा है क्या पीछे वालों को, देवांग भाई दिख रहा है क्या, लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा है ना, लिखा हुआ नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, यहां से समझाता हूँ, यहां आकर के देखना, नजदीक आकर के देखना, और देवलाली जरूर देखना, वहां बाहुबली जिनालय के पीछे की तरफ लगा रखा है। ये चित्र बनाया अशोक भाई के निवेदन पर था, अशोक भाई दिया, उन्होंने कहा कि आप लवण समुद्र के कुमानुज द्वीप बनाओ, कैसे बनाएंगे, उन्हें नहीं आप ही बना सकते हो तो फिर डिजाइनर को लेकर के उसके एक एक चीज उसकी बना करके पिक्चराइजेशन करके ये पूरा चित्र बनाया, फिर वहां लगाया कुमानुज द्वीप। अब ये क्या है, बीच में तो दिख रहा है, देखो आप जम्बू द्वीप है, ये 1 लाख योजन का और ये 2 लाख योजन का है लवण समुद्र। आपको जान करके आश्चर्य होगा, लवण समुद्र में अकेला पानी नहीं है, वहां लवण समुद्र में क्या है, लवण समुद्र में कुमानुष द्वीप है, उनका सामान्य स्वरूप भी हमें मालूम होना चाहिए, कुमानुष द्वीपों का, कुभोग भूमि कहते हैं उसे, भोग भूमि तो सब जानते हैं, आप चाहेंगे तो आपको भोग भूमि भी ले चलेंगे, आपका मन होगा तो वहां भी चल चलेंगे अपन, लेकिन अभी तो कुभोग भूमि की बात कर रहा हूं। ये कुभोग भूमि क्या है, कु माने है खोटा और भोग भूमि कितनी है टोटल इस पूरे 3 लोक में 96 कुभोग भूमियां हैं, 96, उनमें से 48 है लवण समुद्र में और 48 है कालो नदी समुद्र में, ठीक है ध्यान रहे, 48 लवण समुद्र में, 48 कालो नदी समुद्र में। अब इन 48 की कैलकुलेशन देख लो यहां क्या क्या है, फिर हम बात करेंगे इनके संदर्भ में थोड़ी बहुत आपसे। इनमें देखो 48 में 2400 है जम्बू द्वीप के पास में, जम्बू द्वीप के पास में लिख रहे हैं ना, ये है 24 यहां पर, और 24 है धाकी खंड के कॉर्नर वाले एरिया पर, लवण समुद्र के दूसरे कॉर्नर पर, ये 24 बराबर, समझ में आ रही है बात, 24 जम्बू द्वीप के नजदीक है और 24 अपोजिट साइड है, ये सब द्वीप बने हुए हैं, ये जो बने हुए हैं ना, ये रेड कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, अलग अलग कलर में यहाँ दिखा रखे हैं हमने आपको, ये सब द्वीप बने हुए हैं, ये तो 24 है यहाँ पर। अब इन 24 में क्या क्या है, चारों दिशाओं में तो 100-100 योजन के हैं, अभी 24 की बात करो, ये 100-100 योजन के हैं काले कलर के, चारों दिशाओं में दिखाई दे रहे हैं, चारों में बड़े दिख रहे हैं सब, उल्लाप में दिखे चार, ये चार हैं चारों दिशाओं में, और चार विदिशाओं में है 55-55 योजन वाले, वो छोटे हैं, छोटे गोले में है काले कलर के, ये दिख रहे हैं यहाँ, ये ब्लैक कलर के, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा और चौथा, चार हो गए विदिशाओं में, चार दिशाओं में, चार विदिशाओं में, 8 हो गए। इसके अलावा 8 है अंतर दिशाओं में, वो लाल गोले में दिख रहे हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कितने हो गए टोटल, 16 हो गए। अब इसके अलावा दोनों विजयार्ध पर्वत और हिमवन और शिखरी पर्वत के कॉर्नर्स पर, ये विजयार्ध पर्वत है यहां एक, ठीक है, और एक यहां है विजयार्ध नाम का पर्वत, तो इनके दोनों कॉर्नर पर एक यहां हो गया और एक यहां है, ये ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं हरे रंग के, और इसी तरह से हिम्मत पर्वत के दोनों कॉर्नर पर और यहाँ शिखरी पर्वत के दोनों कॉर्नर पर, एक इधर ग्रीन एक इधर ग्रीन बराबर, और एक यहाँ पर विजयार्ध पर्वत के कॉर्नर पर, एक इधर है और एक इधर है, तो 8 पर्वत हैं ये छोटे पर्वत नहीं द्वीप, तो 4 तो हो गए मुख्य दिशाओं वाले, 4 हो गए विदिशाओं वाले, 8 हो गए, और 8 हो गए अंतर दिशाओं में,
16 हो गए और 8 हो गए विजयार्घ और हिमवन शिखरी पर्वत के कॉर्नर पर। तो ये 24 अंतरद्वीप तो है यहाँ और इसी के ठीक सामने 24 अंतरद्वीप और है। तो इस तरह 48 अंतरद्वीप है। सुनो बात क्या है, एक्चुअल में इन अंतरद्वीपों में जो कुमानुष द्वीप रहते हैं वो ऐसे मनुष्य हैं जो विकृत शरीर वाले हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? विकृत शरीर का मतलब कैसा समझे? विकृत शरीर माने एक पैर वाले, पूंछ वाले, पूरा शरीर मनुष्यों जैसा है और चेहरा उनका बंदर जैसा है, पूरा शरीर मनुष्यों जैसा है और चेहरा उनका गधे जैसा है, शेर जैसा है, घोड़े जैसा है। समझ रहे हो? घोड़े जैसे मनुष्य, गधे जैसे मनुष्य, सुअर जैसे मनुष्य, शुकर जैसे, हाथी जैसे मनुष्य। ये दिख रहे हैं आपको? ये आकार दिख रहा है? ये शेर जैसा है। इसका नाम है सिंहमुखी, द्वीप का नाम है सिंहमुखी। इसी तरह से घोड़े जैसे दिखाई दे रहे हैं, अश्वमुखी। ये कुत्ते जैसे दिख रहे हैं, क्या नाम है इनका? श्वानमुखी। श्वान माने क्या होता है? श्वान निद्रा, तथे उच्चे चेतन भाई, ठीक है ना? विद्यार्थी के लक्षणों में श्वान निद्रा कही है। क्या है विद्यार्थी के लक्षण? हाँ, और क्या है? बको ध्यान तो है, पूरा क्या है? काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। नहीं पढ़े? पढ़े। विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं, पढ़ने वाले लोगों के 5 लक्षण हैं। जिनको सच में सीरियसली पढ़ाई करनी है उनके 5 प्रकार के गुण होने चाहिए। कौन कौन से? काक चेष्टा, उनकी चेष्टा कौवे जैसी होनी चाहिए। कौवे जैसी चेष्टा मतलब क्या है? कौवे के पुत्र ये जो होते हैं ना, गोलक गोल, क्या ये 2 होते हैं और अंदर जो घूमने वाली पुतली होती है वो 1 होती है। माने कौवे के दिखती 2 आंखें हैं लेकिन देखने का जो काम करने वाली अंदर है वो 1 ही है। वो इतनी फास्ट घूमती है कि हमें 2 दिखती है, इतना फास्ट। तो विद्यार्थी का लक्षण ये है, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए कि अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते कहां से कहां पहुंच गया तो तुरंत इधर से उधर, उधर से उधर, इतना फास्ट। काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान हो। बगुले जैसा ध्यान कैसा? एक लक्ष्य बस और कुछ नहीं, जिस विषय को पढ़ रहे हैं ध्यान बस उसी में, ऐसा ध्यान, एकाग्र चित्तता विद्यार्थी का लक्षण है। काक चेष्टा बको ध्यानम, और नींद कैसी होनी चाहिए? श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद, हल्की सी आहट मात्र में जग जाए, इतना पढ़ने के प्रति जागृत हो। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथे विच, और क्या? 3 के बाद में चौथा, अल्पाहारी, ज्यादा भोजन नहीं करे, कम खाने वाला होना चाहिए, अल्पाहारी। और इतना ही नहीं, 5वां लक्षण का है गृह त्यागी। क्या बात कर रहे हो आप? अरे घर का मोह छोड़ दे। गृह त्यागी का अर्थ सुविधा भोगी नहीं होवे, गृह त्यागी का अर्थ फैसिलिटी का लक्ष्य नहीं रखे। यदि दिमाग में फैसिलिटी होगी तो फिर पढ़ नहीं पाएगा। तो श्वान शब्द, ये श्वान आकार वाले हैं, कुत्ते जैसे मुंह वाले दिखे। और ये कुछ तो ऐसे होते हैं लंबकर्ण, लंबकर्ण कैसे हैं? देखो इसका कान दिख रहे हैं आप? कान दिख रहा है बेटा इसका? कैसा है? कैसा है? तो कहां गया निसर्ग? निसर्ग ना, क्या बता रहा हूं मैं? ये कान कहां है इसके? दिख रहे दोनों कान कितने लंबे हैं? कितने लंबे कान है? इनका नाम है लंबकर्ण। और पता है भाई साहब, ये एक कान को बिछाते हैं और उसके ऊपर सोते हैं और दूसरे कान को ओढ़ लेते हैं, ऐसा ही स्वरूप है इनका। माने इनका जीवन किस तरह का होता होगा?
जब ये चलते हैं तो इनके दोनों कान इतने लंबे होते हैं जो जमीन पर घसीटते हुए चलते हैं। तो ये अपने हाथ में कोई सामान कैरी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों हाथों से इनको अपने कान उठा के चलना पड़ता है। क्या करेंगे बेचारे, ऐसी हालत है। ये कैसा शरीर मिल गया है, ये कैसे विकृत शरीर की प्राप्ति हो गई है। ये देखो आप कोई उल्लू जैसे दिखाई देते हैं, कोई हाथी जैसे दिखाई देते हैं। ये एकोरुष एकमात्र ऐसे हैं जो मनुष्य जैसा जिनका मुख दिखाई दे रहा है, बाकी सब जानवर जैसे दिख रहे हैं। और पता है इनमें भी विकृति क्या है, इनकी विकृति पैर एक ही है, एक ही टांग वाले होते हैं, इनके पैर एक ही होता है। इनकी सबकी आयु एक पल्ले की होती है। जगन्य भोग भूमि जैसी व्यवस्था है यहाँ, वहाँ की मिट्टी खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, घास फूस खाते हैं, जीवन बहुत ऐसा बेकार बीतता है इनका। मर करके भले ही सब देवगति में चले जाते हों, थोड़ा मंद कषाय होता है, लेकिन बहुत पाप कर्म की वजह में, पाप नहीं किए इन्होंने कोई, सुनना ध्यान देना महत्वपूर्ण बात। आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो यहाँ जाने का इच्छुक हो, जल्दी बोलो, हाथ खड़ा करो, बोलो। बुकिंग बहुत पूरी खाली है मेरे पास में, फ्लाइट बुकिंग बिल्कुल अभी एक भी बुकिंग नहीं हुई, कंसेशन में टिकट बुक कर रहा हूँ, बोलो। 50% में, 90% छूट में, बोलो कौन कौन तैयार है। कोई नहीं है ना, लेकिन सुनो 99% लोग, 99.99% लोग तैयार नहीं होने के बावजूद भी काम ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ जाना पड़े। बोले ऐसे कौन से काम है भाई साहब जिनकी वजह से यहाँ जाना पड़ता है। अब संभालना अपने आप को। जो चर्चा मैंने कल आपके बीच में छेड़ी है परिणामों, ये वक्र परिणाम धर्म ना समझी से करने के कारण, माने दान दिया ना समझी पूर्वक दिया, आहार दान दिया, उपात्र जीवों को दान दिया, पात्र अपात्र का विचार नहीं किया, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना इसका विचार विवेक नहीं किया, ये सब कुभोग भूमि में जाने के कारण है भाई साहब। दाना ने बहुत सारी अच्छी लाइनें लिखी उसमें पूजन की जयमाला में, मैं दान दिया विमान ठान, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान, पूजा की नी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वां। पूजा तो कर रहा है क्या, लेकिन किसकी पूजा करता हूं, क्यों पूजा करता हूं, कुछ विचार विवेक नहीं है। बोले तू कुभोग भूमि का पात्र है। दान बहुत देता है लेकिन किसको दान दिया जाना चाहिए और किसको नहीं दिया जाना चाहिए इसका विचार विवेक नहीं है। बोले तू, तूने पुण्य तो बांधा है, तू कुभोग भूमि जाने का पात्र जीव है। बोले किसको आहार दान दिया जाना चाहिए और किसको नहीं दिया जाना चाहिए विचार विवेक नहीं है, तो सुन कहां जाने के योग्य दिखाई देता है कि तू इस कुपात्र दान के फल में कुभोग भूमि जाने का पात्र दिखाई देता है। कितना जरूरी है सोचो आप, विवेकहीनता की वजह से इन कुभोग भूमि अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। थोड़ी सी असावधानी और भोगेगा कितना, एक पल्ले की आयु, पल्ले कितना बड़ा होता है, असंख्यात वर्ष होते हैं भैया पल्ले में। पल्ले नहीं समझाऊंगा अभी क्योंकि पल्ले के लिए गड्ढा खोदना पड़ता है, वो गड्ढा खोदो और उसमें से एक एक बाल निकालो, और वो जो सारी रामायण है ना वो सब एक पल्ले की है, एक पल्ले की आयु। आप सोचिए टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 220 पर जो चर्चा की है, 220 नंबर पेज पर टोडरमल जी ने तीनों प्रकार के व्यवहारवासियों की जो सामान्य प्रवृत्ति की चर्चा की है, दान देता है तो कैसा, उपवास करता है तो किस प्रकार का, व्रतादि करता है तो किस प्रकार का, देवशास्त्र गुरु के संदर्भ में तुझे विचार विवेक नहीं है, ना समझी में किया गया धर्म धार्मिक आचरण और धार्मिक प्रवृत्तियां ये कुभोग भूमि के आश्रम का कारण है। यदि आप ये चाहते हो कि कुभोग भूमि नहीं जाना पड़े, मेरी फ्लाइट खाली की खाली रह गई, एक भी बुकिंग नहीं हुई भाई साहब इतनी बड़ी सभा के अंदर घोषणा करने पर भी, बोलो। लेकिन मुझे मालूम है मैं बुकिंग करवा रहा हूं ना तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तैयार बैठे हैं वहां जाने के लिए। यदि आप नहीं जाना चाहते हैं, अभी भी चेंज हो सकती है व्यवस्था, कुभोग भूमि से उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति हो सकती है, माने यदि आयु नहीं बंधी हो तो देवादि गतियों में जा सकते हैं, अन्य स्थानों पर पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, जो कर रहे हैं समझ पूर्वक करें।
व्रत करो, उपवास करो, पूजन करो, दान दो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो। निषेध किसी का नहीं है, लेकिन निषेध है तो सिर्फ इस मान्यता का है कि धर्म समझ के मत करो। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। यहां अटक मत जाना, ये अटकने के स्थान है। यदि इनमें धर्म मान करके यहां अटक गया तो समझ ले फिर आगे बढ़ने का चांस रुक गया। क्या आगे बढ़ने का चांस रुक गया? ये धर्म नहीं है। और हमने क्या किया? बस किए जा रहा है शांति धारा के नाम पर, अभिषेक के नाम पर, प्रभावना के नाम पर, न मालूम क्या क्या कर रहा है भाई। धर्म के नाम पर चलने वाली जितनी विकृतियां हैं, सारी विकृतियां। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि ये नरक जाने का काम कर रहा है। दानी तो दे रहा है, अब ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि दान दे के भी नरक जाएगा। आज तक तो ये कहते रहे बहुआरंभ परिग्रहत्व, अब आप कह रहे हो साहब दान दे के नरक तो नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन तूने यश प्रतिष्ठा के लिए दान दिया ना, तूने अपने मान सम्मान के लिए दान दिया ना, तूने उसके फल के बारे में विचार नहीं किया, ये फल मिलता है उसका, कुभोग भूमि की प्राप्ति। कितना सावधान रहने की जरूरत है बोलो। इसलिए हमने एक वाक्य यहां साइड में दे दिया, कुमारी का दीप का सामान्य स्वरूप भी हमें मालूम होना चाहिए। बोलो कितना सुंदर। दादा की तो वो पंक्तियां इतनी सुंदर है वो जो मैंने अभी बोली है, पूजा की नहीं वरदान मांग, उनके फल पर नहीं दिया ध्यान, और कितने सब उन्होंने दो चार पांच बातें उन्होंने बतलाई है। हमने तू ना समझी में कर रहा है सब, तुझे विचार विवेक नहीं है, धर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है। किस लिए सुन रहा है भाई? थोड़ा सा टहलना हो जाता है, सब लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, इतने लोग आते हैं, थोड़ा सा संपर्क बना रहता है, शांति बहुत रहती है। घर की किचकी पिचपिच से छुटकारा पा करके यहाँ आ जाते हैं, कितनी शांति रहती है। आप किस लिए आ रहे हो भाई साहब, ये बताओ आपका प्रयोजन क्या है? सोचना जरा गंभीरता से, कहीं ऐसा तो नहीं एक घंटा बैठ करके टाइम वेस्ट हुआ हो। बहुत विचार करने योग्य बातें हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 320 नंबर का पेज गहराई से पढ़ने योग्य है। संदर्भ में वो सब कुभोग भूमि जाने के पात्र जीव हैं। यदि आप नहीं चाहते हो कुभोग भूमि जाना तो सावधान रहे। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। हाँ बोलिए भाई साहब। यहाँ पे जन्म लेने के बाद जीव संरक्षण कर सकता है सर? कर सकता है। दो दिखा रखे हैं हमने ये देखो आप ये यहाँ भी दो दिखा दिए। यहाँ जितनी जगह थी, जगह के प्रमाण में जुड़वाई जन्म लेते हैं सब। और सबका जो शरीर है वहां मरने के बाद में सब विलीन हो जाता है, कपूर की तरह उड़ जाता है, बादलों की तरह विघटित हो जाता है। ऐसा है बच्चों का जन्म हुआ, ये दोनों मर गए और मर करके देव गति में चले गए। ऐसा ही है, भवन त्रिक में चले जाते हैं, भवनवादी हो जाएगा, अभ्यंतर हो जाएगा, ज्योतिष हो जाएगा। मैंने अच्छा स्थान नहीं है। मैंने देखो काम भी किया विनु भाई, और थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण इसने क्या किया, काम 19 हो गया। पैसा पूरा लगा, मेहनत पूरी लगी, समय पूरा दिया गया, और लेकिन काम गड़बड़ हो गया, वो मजा नहीं आया। होता है ना कभी ऐसा, जब आपने मकान बनाया बराबर, और आपने कहा कि यार ये इंजीनियर लोग क्या मूर्ख बनाते हैं, टाकू रुपया ले जाते हैं, हम तो हमें बनाना तो हमारे को क्या बनाना है, क्यों राहुल भाई बनवाना तो हमारे को है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उससे क्या मतलब है, जबरदस्ती उसको पैसा देंगे, इतना पैसा ज्यादा लगा करके अच्छा बनाएंगे ना। ठीक है भाई तुम अच्छा बनाओ, अपने दिमाग लगा करके बनाओ। मकान बनने में उतना ही समय लगा, पैसा पूरा लगा, आपका परिश्रम पूरा लगा, लेकिन फिर वो बनने के बाद में जो तैयार हुआ वो आपने तो ये क्या बन गया ये क्या हुआ, आप समझ रहे? माने आपने अपना दिमाग लगाया ना, उसमें थोड़ी सी असावधानी के कारण सब गड़बड़ हो जाता है। मैं कोई उनका कोई एजेंट नहीं हूं कोई लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं, जो काम कर रहे हैं आप उस काम में देखो, सफल और असफल व्यक्ति के बीच में कितना अंतराल होता है बेटा बताओ। जो जो व्यक्ति पास हुआ है अच्छे नंबरों से और जो व्यक्ति नॉर्मल पास हुआ है, इन दोनों में क्या फर्क है बोलो? दोनों में से किसने टाइम कम दिया है क्लास में? पूरा ही था टाइम, स्कूल है तो पूरा ही जाना पड़ेगा आपको,
छह घंटा स्कूल के अंदर बिताना है तो पूरा ही बिताना पड़ेगा। फीस किसने कम दी है? अटेंडेंस में क्या फर्क रहा है बोलो? टाइम कितना देना पड़ा है? सब कुछ समान है, फर्क कितना सा है? फर्क सिर्फ और सिर्फ अटेंशन का है और कुछ नहीं है, सिर्फ अटेंशन का फर्क है। जिसका अटेंशन है वो व्यक्ति हासिल कर लेता है, और जिसका अटेंशन नहीं है वो व्यक्ति उतना ही सब कुछ देने के बावजूद भी जीरो रह जाता है। सिर्फ इतना सा फर्क है। अरे क्या फर्क पड़ गया? कर लेंगे तू गया बस, समझ ले तो कुछ नहीं कर पाएगा। अरे कर लेंगे ना, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। अरे तू कब कर लेगा? ये बात मैं बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ भाई साहब मुकेश जी, ये बात मैं औरों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं युवाओं के लिए कह रहा हूँ, ये बात मैं आप जैसे साथियों के लिए कह रहा हूँ। आप जो सोच रहे हैं ना हम कर लेंगे, आप कौन से एग्जाम की बात समझ रहे थे? नितिन भाई अब कौन से एग्जाम की बात चल रही है? क्या सिद्धार्थ भाई अब कौन सा एग्जाम दे रहे हैं अपन? अरे भाई साहब ये एग्जाम चल रहा है, ये लाइफ क्या, ये लाइफ पूरा एग्जाम है क्या? समझ में आ रही है क्या बात? ये पेपर चल रहा है अपना, ये लाइफ का, और ये पेपर चलते चलते लाइफ वो एग्जाम देते देते 3 घंटे बचती है ना, 3 घंटे का पेपर है, तो पहली बजी और आपने कुछ नहीं किया मान लो, तो फिर क्या होगा? कॉपी खाली है अभी, अरे कुछ लिख ही नहीं पाया मैं, अरे अभी तो 2 घंटे बाकी है, कोई बात नहीं। इतनी देर में क्या हुआ? एक बार और बज गई, फिर क्या हुआ? अभी भी कुछ नहीं कर पाया, और फिर क्या हुआ? अरे अभी तो 1 घंटा है लेकिन कुछ करता हूँ करूंगा कुछ ना कुछ। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे करके इतनी देर में क्या हुआ? तीसरी घंटी एक बार नहीं, फिर तो टंटी सब खत्म। ऐसे ही पहली बेल बजी बचपन की, पेपर हमारा पूरा खाली है ब्लैंक। दूसरी बेल बज गई जवानी की, और तीसरी बुढ़ापे की बज रही है, और बजती चली जा रही है, और नहीं संभला तो क्या होगा? कॉपी छीन ली जाएगी और खत्म, चलो जीरो, नीचे उतर जाओ आप, ये हाल होने वाला है। इसलिए सावधान रहो भाई साहब, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो थोड़ा सा पुरुषार्थ चाहिए। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या फर्क है बताओ? बोलो, पुराण पढ़ो, पुराण प्रथमानुयुग, प्रथमानुयुग में आपको 1-2 नहीं 50 उदाहरण ऐसे मिलेंगे, मुनिराज का उपदेश सुना सम्यक दर्शन हो गया। वो हाथी पूरे जंगल में तांडव मचा रहा था, तोड़ फोड़ मचा रहा था, और उछल कूद करता हुआ एकदम मुनिराज दिख गए, मुनिराज ने उसको कोई संबोधन किया, सम्यक दर्शन हो गया। वो शेर हिरण को फाड़ करके खा रहा था, 2 मुनिराज आ गए और न मालूम कौन सी भाषा में क्या उपदेश दिया, और सम्यक दर्शन हो गया। समझ में नहीं आता यार ये कैसा सम्यक दर्शन है, ये कितना ईजी है, ये कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, ये हमारे को समझ में नहीं। पुराणों को देखते हैं, अरे क्या हुआ? दिमाग नहीं लगाया ज्यादा, प्रयोजन भूत काम किया, ज्यादा नहीं करना है कुछ भी, हम सारे दिमाग लगाने के अंदर उलझे हुए हैं। ये हो रहा है राहुल भाई, सिर्फ दिमाग लगा रहे हैं अपन, डेढ़ अकल का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। काम इतना सिंपल है, तुष्मासन घोषंतो और लो, कहां पहला गुणस्थान, चौथा नहीं छठा सातवां, और लो केवल ज्ञान। ओह ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, क्या किया क्या उन्होंने, कितने शास्त्र पढ़े, कितने पढ़े, क्या किया भाई साहब, हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है? इतना ही फर्क है सफलता और असफलता के बीच में। क्या उपयोग की एकाग्रता पूर्वक भेद विज्ञान का अभ्यास किया, और हमने क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए जीवन बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया जीवन। क्षयोक्षम बढ़ता जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, अब क्षयोक्षम बढ़ता जा रहा है, थोड़ा हम भी विषय से आगे बढ़े हैं। ये तो हो गई मध्य लोक की चर्चा थोड़ी सी यहाँ की, हमने बीच वाले सुमेरु पर्वत की तरफ ले चलते हैं अपन, चल रहा है सुमेरु पर्वत, देखें थोड़ी सी चर्चा सुमेरु पर्वत की। बहुत संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट ले चलूंगा आपको मेरु पर्वत के ऊपर, कितना ऊपर तक जाएंगे कोशिश करते हैं अपन। ये सुमेरु नाम का एक पर्वत है बराबर, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी, होनी चाहिए, सामान्य परिचय मेरु पर्वत के संदर्भ में। सो नीचे जमीन पर एक वन है, जिस वन का नाम क्या है? भद्रशाल। जमीन पर ठीक है, क्षेत्र में
भद्र साहब नाम का वन है। ये एक और वन है यहाँ, ये है, इस वन का नाम है नंदन नाम का वन, सेकंड नंबर है। थर्ड नंबर एक वन है, इस वन का नाम है सोमनस वन। चौथे का कौन, बीनू भाई बताएंगे क्या? चौथे वन का नाम क्या है बीनू भाई, बोलो भाई। पांडुक वन है, पांडुक वन, बराबर। चार नाम हो गए, एक भद्रसाल वन, नंदन वन, सोमनस वन और पांडुक वन, ठीक है। भद्रसाल कौन सी जगह पर है भैया, कहाँ है निसर? जमीन पे, जमीन पे, बराबर। मैंने जमीन पे कहा तो जमीन पे बता दिया। इससे नंदन वन कितना ऊपर है? 500 योजन ऊपर, ठीक है। भद्रसाल से 500 योजन ऊपर। अच्छा, नंदन वन से सोमनस वन कितना ऊपर है? 65,500 योजन ऊपर। नंदन से सोमनस का डिस्टेंस कितना? 65,500। और सोमनस वन से ऊपर पांडुक वन है 36,000 योजन ऊपर। 36,000 माने जमीन से देखें तो पांडुक वन तक पहुंचने में कितना लग गया? 99,000, 99,000 योजन ऊपर चले गए। मालूम है ये पांडुक वन कैसा है? अब आप अपने कैमरे को जो यहाँ फ्रंट में था ना, इसे ऊपर की तरफ ले जाओ, तो हम आपको दिखाते हैं पांडुक वन कैसा दिखेगा। वो पांडुक वन ये देखो, ऐसा दिखाई दे रहा है। पांडुक वन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अभी देखिए, हम वापस पीछे चलता हूँ, अभी और पीछे आ जाओ, यहाँ से भी पीछे। अभी ये जो सुमेरु पर्वत दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पांडुक वन पर, पांडुक वन पर सेंटर में है चूली का 40 योजन। चूली का माने चोटी, चोटी बनी हुई ऐसे, शिखर, शिखर जैसा बना हुआ, 40 योजन हाइट वाला है ये। इसके चारों तरफ है वन, इस चूली का के चारों तरफ। और चूली का कैसे एक बाल के अंतर से है स्वर्ग। चूली का से एक बाल का अंतर लगाओ तो स्वर्ग भी शुरू हो जाता है। अभी ये जो ये एरिया है, पूरा एरिया, इसको ऊपर से देखने पर ये पांडुक वन दिखाई देता है। सेंटर में है चूली का और चारों तरफ है वन, समझ में आ रहा है? ये चूली का एरिया है। नीचे 12 योजन है, हाइट 40 योजन है। माने जैसे पेन होता है ना, पेन, कैसा बतलाऊं मैं आपको, ये बहुत अच्छा शेप है इसका, ऐसा समझो आप। ये नीचे तो है 12 योजन, इधर हाइट है 40 योजन, ऊपर टॉप पर पहुंच गया 4 योजन, इस जगह पर यहाँ 4 रह गया, यहाँ 12 है, ऐसे कम होता चला गया, घटता चला गया। हाइट 40 योजन की है। इस चूलिका के चारों तरफ वन है, उस वन का नाम क्या है? पांडुक वन। इस चूलिका से एक बाल के अंतर से ऊपर स्वर्ग शुरू हो गया, बराबर। चारों तरफ वन, इस वन में चारों दिशाओं में तो है जिनालय, जिन्हें कहते हैं चैत्यालय। चारों दिशाओं में है जिनालय, माने जिन मंदिर, अकृत्रिम जिन मंदिर हैं चारों के ऊपर। और चले तो विदिशाओं में है शिलाएं, विदिशाएं ईशान है, ये अग्नेय है, ये नैऋत्य है, ये वायव्य है। इन दिशाओं में है शिलाएं, इनमें जो ईशान दिशा में है इसका नाम है पांडुक शिला। क्या सौदरविंद्र जी ले गए थे ना अपने सब साथियों को लेकर के, चलो पांडुक शिला पर। कहां ले गए थे? सुमेरु पर्वत के ऊपर। सुमेरु पर्वत के ऊपर पांडुक वन पर स्थित पांडुक शिला में ले गए थे, बराबर। अभी इस पांडुक शिला पर जब आप यहां ले गए हैं तो इसका नाम तो है पांडुक शिला। यहां भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है और इस शिला का नाम है पांडुकम्बला शिला। यहां इस पांडुकम्बला शिला पर पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है, पांडुकम्बला पर। इस थर्ड का नाम है रक्त शिला, रक्त शिला इस शिला का नाम है। यहां ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है और इसका नाम है रक्त कम्बला शिला। यहां रक्त कम्बला शिला के ऊपर कहां का? पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। ये शिलाएं ही
ये कहां के थे कि तीर्थों के, क्योंकि एक ही मेरु पर्वत है सेंटर में जम्मू द्वीप में, उस मेरु पर्वत के ऊपर चार शिलाएं हैं और चारों तरफ के तीर्थंकरों के जन्माभिषेक वहीं जाकर के होते हैं। ऐरावत हाथी पर बिठा करके ले जाते हैं, 1008 कलशों से अभिषेक किया जाता है। एक एक कलश कितना बड़ा होता है मैं चर्चा करूं तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो, आपके दरिया में बाढ़ आ जाए। ये पूरा जवेरी बाजार पूरा एरिया सब बह जाए, इतना बड़ा है। 96 किलोमीटर की डेप्थ होती है उस कलश की, 96 किलोमीटर की डेप्थ। आज हम बात कर रहे थे वल्लभ भाई दिन में, ये जो समुद्र दिखाई देते हैं एक आध दो किलोमीटर की डेप्थ होगी इनकी, और कितना होगा, 1.5 किलोमीटर की डेप्थ है। मैं कह रहा हूं 96 किलोमीटर की डेप्थ उस कलश की और 12 किलोमीटर का उसका मुंह उस कलश का और 48 किलोमीटर का ऐसा पेट गोलाकार ऐसा कलश है ना, कलश जैसे भगवान का कलश करते हैं अपन, तो बीच में 48 किलोमीटर का पेट, 96 किलोमीटर की गहराई, 12 किलोमीटर का मुख, एक नहीं 1008 कलशों से बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक। कितना कितना बड़ा है वो बच्चा, बच्चा कितना बड़ा है सम्यक, कितना बड़ा है, 7th क्लास का तो होगा, कौन सी का है, 9th का है, तो कॉलेज में पढ़ने वाला कितना बड़ा होगा बोलो भाई, 1st ईयर में तो। अरे आज जिसका जन्म हुआ है, हाँ क्या बात कर रहे हो आप, जिस बालक का अभी जन्म हुआ है और सौदर केंद्र पहुंच गए थे शची इंद्राणी को लेकर के वहां प्रसूति गृह में, क्या देवी प्रसूति गृह में जाओ और ले आओ बालक को और फिर बाहर लेकर के आए और फिर 1000 नेत्र बना करके बाल तीर्थंकर को लेकर के क्या दिखलाई दे मैया हरे हरे है, सब याद आ रही है कि नहीं बात, और फिर ऐरावत हाथी के साथ में बिठा करके उसे ले गए इतना ऊपर। मालूम है कितनी हाइट पर जाते हैं, कितनी हाइट पर जाते हैं, कुछ अंदाजा है आपको, सूर्य चंद्रमा उसकी 1% हाइट पर है, सूर्य चंद्रमा से 99 गुना ज्यादा हाइट पर पहुंच जाते हैं सूर्य। कब देखो आप इतनी हाइट हो ना इतनी, तो समझ लो आप जमीन पर है सूर्य चंद्रमा और उससे इतना ऊपर ले गए तो कुछ नहीं है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा तो रह गए हैं 790 से 900 योजन तक, 790 से 900 योजन तक, और ये पहुंच गए हैं 99,000 योजन ऊपर, 900 नहीं 99,000 योजन ऊपर। आप कल्पना कीजिए कौन सी जगह पर बाल तीर्थंकर को ले गए हैं, 1008 कलश। अरे एक एक कलश ऐसा होता है भैया, यहाँ पड़ जाए तो यहाँ बाढ़ आ जाए, और इतने बड़े बड़े 1008 कलश डालने पर भी वो अतुल्य बल का धनी वो बालक रंच मात्र भी विचलित नहीं होता। कैसी है ये शिलाएं बोलो, ये शिलाएं किस प्रकार की है, ये शिलाओं का इस प्रकार का शेप है, 100 योजन की लंबाई है इस शिला की, विदिशाओं में थी ना वो शिलाएं, ये 100 योजन की लंबाई वाली है, 50 योजन की है इनकी चौड़ाई, 8 योजन की है इसकी मोटाई, और इन पर बीच में बने हुए हैं आसन, बीच वाले सेंटर वाले का नाम है, इसका नाम है सिंहासन, ये इस जगह पर है ये रखा हुआ ऐसा सिंहासन है ना, ये यहां बना हुआ है यहां सेंटर में सिंहासन, और दोनों तरफ है भद्रासन, ये 500 धनुष के हैं ये आसन जो दोनों साइड में है, बीच में यहाँ सिंहासन के ऊपर बाल तीर्थंकर को विराजमान करते हैं, और एक साइड में खड़े होते हैं सौदर में इंद्र और दूसरे साइड में खड़े होते हैं ईशान इंद्र, और एक एक कलश लेकर के यहाँ बाल तीर्थंकर के मस्तक पर डालते हैं, जन्माभिषेक करते हैं। जन्माभिषेक यार इतना पानी, हम तो यहाँ रोजाना पक्षाल करते हैं अभिषेक करते हैं, और जो करवाने वाले होते हैं, मैं पहली बार गया और मैंने फटाफट 2-3 कलश भर करके डाले, उन्होंने टोक दिया क्या करता है, थोड़ा डाल पानी, पानी थोड़ा डाल, ये क्या कर रहे हैं देव लोग, ये क्या नाटक चल रहा है, इतना पानी बहता होगा, कितनी हिंसा होती होगी उसमें, उस पानी को छानता कौन होगा भैया, छानते नहीं है उस पानी, पानी नहीं छानते, नहीं जान रहे बिना चले पानी से चलेगा ऐसा, प्रासुक है वो पानी, क्षीर समुद्र का जल लेकर के आते हैं,
वो प्रास्तु की जल है उससे अभिषेक तो बहता तो है, इतना उसका क्या होगा भाई साहब, इतना पानी। और नीचे चैत्यालय है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, पैरों में जा रहा है, नीचे बह रहा है। कई जगह पर आपको मेरू पर्वत के ऐसे चित्र दिखेंगे जिन चित्रों में ऊपर से नीचे तक पानी बहता हुआ दिखेगा। देखिए आपने ऐसे चित्र मेरू पर्वत के, जल भरी भरी लाओ खूब निलाओ उनको प्रभु को कि नहीं भाई, भले ही वो 1008 कलश हो, भले ही इतना जल हो, लेकिन रंच मात्र भी वो अभिषेक किया हुआ जल नीचे पहाड़ों पर, पर्वतों पर, जंगलों में बहता नहीं है। क्या क्योंकि एक एक बूंद भी यदि देव लोग अपने मस्तक पर डाले हैं तो असंख्यात देव हैं खत्म हो जाता है। असंख्यात देव है लव भाई, क्योंकि जमीन पे बहता रहता होगा, हिंसा होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप, अरे जिनके जीवन से, जीवन मात्र से अहिंसा का उपदेश होने वाला हो, उनके जीवन में ऐसी घटना जिसमें हिंसा हो, ऐसा हो नहीं सकता। तीर्थंकरों के नाम के आगे 1008 क्यों लगाया जाता है? मनेराजों के नाम के आगे 108 क्यों लगाया जाता है? आरिकाओं के नाम के पहले 105 क्यों लगाया जाता है? कुछ खबर है कि चल रहा है ऐसे ही? बाहुबली भगवान के नाम के पहले 1008 नहीं लगता है? भगवान बाहुबली है, वो 1008 नहीं है। 1008 शब्द का प्रयोग तीर्थंकरों के नाम के साथ ही होता है, ऐसा है, सिर्फ तीर्थंकरों के नाम के साथ ही होगा, क्योंकि तीर्थंकरों का अभिषेक 1008 कलशों से हुआ है। तीर्थंकरों का जन्म होने पर 1008 नेत्र बना करके सौदर में इंद्र ने देखा है। तीर्थंकरों के शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं। तीर्थंकर ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जिनका सौदर में इंद्र 1008 नामों से स्तुति करता है। चार जगह बता दी हमने, इसलिए 1008 शब्द का प्रयोग उनके नाम के पहले किया जाता है। तीर्थंकरों का पुण्य है, विशेष जाति का। चूली का है 40 योजन वाली, जो हमसे बतलाई आपको हाइट है इसकी 40 योजन, 12 योजन की नींव में नीचे की साइड ये 12 योजन है, ठीक है, और ऊपर की साइड में 4 योजन है, और इसका कलर है नीलकंठ मणि में, और इस तरह का ये टोटल दिखाई दे रहा है सुमेरु पर्वत। चलो यात्रा पूरी चाहिए सुमेरु पर्वत नीचे से ऊपर तक दिख रहे हैं आपको, चार चार चैत्यालय दिख रहे हैं आपको, 16 जनालय दिखे, बद्र साल वन पर 4 थे। हाँ बोलो, 1009 इसीलिए तो नहीं किया क्योंकि उनके शरीर में 1008 लक्षण है, शरीर में 1008 लक्षण है, 1008 नेत्र बना करके देखा गया है, ऐसा है। 900 सामान्य लक्षण होते हैं, 108 विशेष होते हैं, ऐसे 1008 होते हैं, इसलिए 1008 है। मुनिराजों की 108 लगता है, उनके 108 प्रकार के गुण हैं। आर्यिकाओं में 3 कम होते हैं इसलिए 105 रह जाती है। नग्नत्व नहीं होता, खड़े खड़े आहार नहीं होता है, और क्या बोलते हैं, स्नान नहीं, स्नान होता है, अस्नान नाम का मूल गुण नहीं होता। जो मुनिराज के 3 है ना, वो 3 कम हो गए विशेषताएं, 105 लग गया उनके आगे। चलो ये सुमेरु पर्वत है, 5 मिनट में आपको सुमेरु पर्वत पर लिखा दिखा देता हूँ कैसी रचना है। जो हमारा 3D वर्क चल रहा है ना, उसमें देखो आप, जमीन पर है भद्रसाल नाम का वन, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? सैटेलाइट से देखें थोड़ा पास में से मेरु पर्वत को, आप देखो, आपको कुछ दिख रहा है? देखा सुमेरु पर्वत कहाँ है? सेंटर में दिखाई दे रहा है, नीचे भद्रसाल नाम का वन दिख रहा है कि नहीं? चैत्यालय दिख रहा है क्या वहां? देखिए कैसा, नहीं दिखा? अरे देखो थोड़ा अच्छे से, नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा क्लियर करो ना यार कैमरे को, थोड़ा सा लो, थोड़ा सा क्लियर दिखाते हैं। आप दिख रहा है क्या? आप दिखा भद्रसाल वन नीचे? आप तो दिख गया, नहीं दिखा अभी भी? थोड़ा और जूम कर रहे हैं इसको, लो थोड़ा और जूम करके देखो, अब तो दिख गया है ना, पक्का दिख गया? अभी भी नहीं दिखा तो फिर क्या करें बोलो? और थोड़ा सा पास से दिखाओ भाई, और थोड़ा पास से देखो, अब तो दिख गया होगा,
अब दिख गया, अभी भी नहीं दिखाओ तो और पास से देखो, अब तो दिख गया, दिख गया क्या भद्र सालमन? और अभी भी यदि नहीं दिखाओ तो फिर कल डॉक्टर के आंखें टेस्ट कराना। और क्या करूं, इतना करने पर भी यदि आपको नहीं दिखे, ये भद्रसाल नाम का वन है, यहाँ पर जमीन पर भद्रसाल नाम का वन है, और इस वन के ऊपर चैत्यालय चारों दिशाओं में दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है भद्रसाल वन, इधर दिख रहा है एक चैत्यालय, उस तरफ भी एक घूम करके जो भी एक पीछे की साइड है, चार वन है भद्रसाल वन पर। 500 योजन हाइट पर चले तो यहाँ पर है एक नंदन नाम का वन, और यहाँ भी चार जनालय है, भद्रसाल वन के चार जनालय हो गए, नंदन वन के चार जनालय हो गए, इनकी भी वंदना कर लो आप फटाफट, वैसे ही करना जैसे आपको तीर्थ क्षेत्रों पर करते हो, जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के। और क्या, रुकने की कहां फुर्सत है हमारे पास में, रुकेंगे थोड़ी ना, रुकने का टाइम लगाएंगे तो फिर हो नहीं पाएगा कुछ भी, दौड़ दौड़ करके। अरे शिखर जी आएगा वंदना के लिए, और जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ करके मैं उतरा वहां से, तो 2-2.5 बजे हो गए, हम मेरे से पूछे पंडित जी कितने बजे, तो 2.5 बजे। अरे यार आप भी क्या 2.5 बजे आपको इस उम्र में, आपको कितने बजे उतरे, मैं तो 11 बजे उतर गया था। दूसरा एक और होशियार मेरा, 11 मैं तो 10 बजे आ गया था। मैंने कहा तू गया का ही बताओ ऊपर। भाई तू वंदना करने के लिए आया है, तू भावपूर्वक वंदना तो कर, इतना दौड़ रहा है, पपोरा जी जाएगा, 105 जिन मंदिर है, 125 जिन मंदिर है वहां, और दौड़ दौड़ करके भगवान है भी के नहीं, कौन से भगवान है क्या, कुछ ऐसा पता नहीं है, कहां जाने का पात्र है भाई साहब, कुभूमि दर्शन कर रहा है, कुछ होश नहीं है, किसके दर्शन कर रहा हूँ, कौन भगवान है, क्या स्वरूप है, कैसे किया जाता है दर्शन, कुछ विचार विवेक नहीं है। चलो लेकिन कोई बात नहीं, जैसा आप करते हो वैसा तो करा दूं मैं भी। इतना फास्ट फास्ट, नीचे भद्रसाल वन के चार जनालय हो गए, थोड़ा ऊपर चले तो नंदन वन के चार जनालय हो गए, और यहाँ से ऊपर चलो, कितना ऊपर चलना पड़ेगा, 65-500 योजन ऊपर, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते 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 चलते, और ये पहुंच गए अपन सोमनस, चारों दिशाओं में चार जनालय, सोमनस नाम का वन, बराबर चार जिन मंदिर है यहाँ इस मन पर बने हुए, और इस सोमनस वन से फिर ऊपर चलो, कितना ऊपर चलेंगे, 36,000 योजन ऊपर चलने पर हम पहुंच जाते हैं सुमेरु पर्वत के शिखर पर, जहाँ है पांडुक नाम का वन, और वहां हमें दिखाई देंगे क्या क्या देखो बीच में, ये मेरु पर्वत के शिखर पर पहुंच गए अपन ऊपर, और शिखर पर पहुंच गए तो बीच में तो है चूली का 40 योजन हाइट वाली, चारों तरफ है चार जिन मंदिर, और विदिशाओं में है चार शिलाएं, इन शिलाएं दिख रही हैं आपको, 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी, और 8 योजन की मोटाई वाली बीच में, और बीच में 500 धनुष के ये आसन बने हुए हैं, जहां भारत शंकर विराजमान होंगे और जन्माभिषेक उनका होगा। थोड़ा दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा पास में से देख लो यार, देखा आपको, ये बीच में चूली का 12 योजन ऊपर, 4 योजन यहाँ से स्वर्ग शुरू हो जाएंगे, ये 40 योजन की हाइट, और ये शिलाएं किस तरह से अर्धचंद्राकार है, और किस तरह के जनालय हैं, ये सुमेरु पर्वत है भाई साहब, ये सुमेरु पर्वत को संदेश दे रहा है, संदेश सुन ले फिर बात कल करेंगे आगे, ये सुमेरु पर्वत क्या संदेश दे रहा है भाई साहब, खड़ा हुआ सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत ये संदेश दे रहा है कि सुनो, मैं जिस तरह से अड़िग खड़ा हुआ हूं, क्या कल्पांत के समय में चलने वाली जो हवाएं हैं, ये चूलिका को हिलाने में समर्थ नहीं हो सकती। भक्त हमारे स्तोत्र श्लोक नंबर 15 क्षेत्रम याद है आप लोगों को, भक्त अमर पढ़ते हैं आप लोग, भक्त अमर पर 18 प्रवचन है मेरे, भक्त अमर का अर्थ बतलाते हुए, भक्त अमर का 15 नंबर का श्लोक है ये, चित्रम के मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम् कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रि शिखरम चलितं कदाचित्। कुछ समझ में आया क्या कह दिया, अरे कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं, सुनना 2-3 मिनट में खत्म करता हूं, क्या
कितनी देर है और मेरे पास में है? कितनी देर है मेरे पास में और क्या पता कब खत्म होगा। देखो कल्प के अंत समय में चलने वाली हवाएं, कैसी हवाएं चलती है, पर्वतों को भी उड़ाकर ले जाने वाली कल्पांत काल मरुता माने हवाएं, चलिता अचलेन, अचल कहते हैं पर्वतों को, पर्वतों को उड़ा करके ले जाएं, ऐसी हवाएं चलती है छठे काल के अंत में, प्रलय के काल में। और आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं क्या वे हवाएं इस चूलिका को हिलाने में समर्थ है कि मेरू तो छोड़ो, मेरू पर्वत की जो चूलिका थी ना 40 योजन की, उसको भी हिला सकती है क्या? नहीं हिला सकती है, हिलाने में समर्थ नहीं हो सकती है। तो सुनो क्या कहना चाहते हैं, ये सुदर्शन मेरू की क्या महिमा है। अपने पवैया जी साहब, राजमल जी पवैया सुदर्शन मेरू की पूजन करते हुए दो लाइनों में कहते हैं, जिसके लिए हमने आपको मेरू पर्वत दिखाया पूरा, वो क्या कहते हैं, सुदर्शन मेरु की महिमा जगत विख्यात अनुपम है। क्या कहा, रिपीट कर सकते हैं, सुदर्शन मेरु की महिमा जगत विख्यात अनुपम है। क्या महिमा है, जगत को दे रहा संदेश निज आत्म सुदर्शन है, अरे तेरा आत्म तत्व सुदर्शन मेरु पर्वत से कम नहीं है। जिस तरह से कल्पांत की हवाएं मेरु पर्वत को विचलित करने में, उसकी चूलिका को हिलाने में समर्थ नहीं है, उसी तरह से ये राग द्वेष और विकार की हवाएं तेरे त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा को विचलित करने में समर्थ नहीं है। क्या कितने कर्मों की आंधी तूफान आए हो, कितनी विकृतियां आई हो, कितनी परेशानियां आई हो, कितनी प्रतिकूलताएं आई हो, लेकिन तेरे असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश भी कभी कम नहीं हुआ, तेरे अनंत गुणों में से एक गुण कभी कम नहीं हुआ, तेरी शक्तियों में से कोई शक्ति कभी कम नहीं हुई, तू स्वयं सुदर्शन मेरु है। ये सुदर्शन मेरु पर्वत अचल रहता हुआ, अडिग रहता हुआ, निरंतर सदा काल हमारे को उस अचल रहने वाले ध्रुव ज्ञायक आत्म तत्व का दर्शन कराते हैं, उसकी याद दिलाते हैं। इस मेरु पर्वत को देखकर सदा हमें अपना आत्मा मेरु है यह स्मरण में बना रहे, तो इस मेरु पर्वत की चर्चा करना सार्थक हो जाएगा। हम सभी इस चर्चा को समझकर अपनी दृष्टि को यहां से हटाकर इस मेरु पर्वत पर लाएं, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं।